वानिया कहां जा रही हो? क्यों, माफीनामा भिजवाना है आपने? इसका मतलब है कि दानिश ने तुम्हें सब बता दिया। आपको क्या लगा था आपका गुनाह सारी जिंदगी छुपा रहेगा? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी माद भाई, आपने तो मां जैसे रिश्ते का मजाक बना दिया। क्या कहूं आपसे, आप क्या कहूं माद भाई, जिन्हें मुआफे समझा था उन्होंने सर से छत छीन ली। मुबारक हो इमाद भाई, बहुत मुबारक हो आपको। मेरी बात सुनो। क्या सुनूं इमाद भाई, क्या सुनूं, आप बताएं क्या सुनूं, कुछ सुनने के लिए रह गया है? और किस किस को अपनी सफाइयां देते फिरेंगे, कितना गिरेंगे आप? चले, करना चाहते ना आप, जाए आप ही को सब कुछ सच सच बता दे, ताकि एक बाप को अपनी बेटी से दूर जाने की तकलीफ का अंदाजा हो। जिस तरह वो मां इस वक्त तड़प रही है। वानिया, वानिया मेरी बात तो सुनो। वानिया मार, क्या हुआ, ऐसा क्या कह दिया वानिया ने जो आपके चेहरे के रंग ही उड़ गए? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो कहा है, उसके तेवर बता रहे थे कि आपसे नाखुश है, लेकिन किस बात पे? नहीं सानिया, कुछ भी नहीं है। वो जल्दी में थी वानिया, बाहर दानिश उसका वेट कर रहा था, वो शायद अम्मी की तरफ गई है। अम्मी की तरफ? चले हम भी चलते हैं ना, बहुत दिन हुए अम्मी से मुलाकात भी नहीं हुई। नहीं सानिया, फिलहाल अभी मेरा मूड। अम्मी के पास जाने का मूड में? शायद आज के बाद हम दोबारा कभी ना मिल पाए। मैं तुमसे माफी का हकदार तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ मांगता हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ करूं? मैं जानता हूं तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं तुमसे आखिरी सांस तक माफी मांगता हूं। और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आलिया, मैंने जितनी तुमसे मोहब्बत की थी, आज उतनी तुमसे नफरत कर, इसलिए नहीं कि तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए कि तुमने दुनिया के हर शख्स से मुहब्बत करने का हक छीन लिया, जिसे मुहब्बत पे कभी भरोसा नहीं। पता तुम जैसा बेटा, भाई और शौहर किसी को ना। लेकिन मेरे दिल से दुआ है मानुष कि तुम्हें आगे जो भी जीवन साथी मिले, तुम्हें उस पे नाज़ करो।